रेचल प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना से शुरू करेंगे। जी मामू, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आपके चरणों में आती हूँ पिता। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए जो आपने अपनी बड़ी दया और कृपा से दिया प्रभु। पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी हम मिट नहीं गए प्रभु जी, क्योंकि आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु कि हम जीवित हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु आप सच्चे जीते परमेश्वर की महिमा करें प्रभु जी, और अपने जीवन को प्रभु आपके मार्ग में हम ले चले प्रभु। आपकी ऐसी हमारी हमारे लिए इच्छा है प्रभु। मैं धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस शाम के लिए प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि फिर से प्रभु जी आपने हम सब प्रियों को प्रभु जी अपने वचन की नजदीकी में फिर से लाया पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु आपके गूढ़ भेदों को प्रभु जी हम समझ सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है प्रभु, उन सब के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने हमारी बड़ी सहायता की है प्रभु जी, आपके वचनों को ठीक ठीक समझने में मेरे पिता परमेश्वर आपने मेरी सहायता की प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता आगे हम जो कुछ भी हम सीखते हैं प्रभु जी आपके वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर वचन प्रभु जी हमारे मन में कार्य करे प्रभु जी। हम केवल सिर्फ सुने नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि उसे हम व्यवहार में लाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम सचमुच जीवते जीवित पत्रियां बन सकें प्रभु। आप हमारी हमारे ऊपर ऐसी दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जो कलीसिया जो आप लेने आने वाले हैं पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी हम निष्कलंक प्रभु जी हम निर्दोष आपके सामने खड़े हो सके प्रभु। आप हमें ऐसा बनाइए मेरे पिता परमेश्वर। विशेष करके मामू को आपके धर्म में हाथों में मैं सौंप देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आपने उनकी बड़ी सहायता की प्रभु जी, हर प्रकार से आपने उनके उन्हें संभाला है मेरे स्वामी। आज भी प्रभु जी जब वो बोलते हैं प्रभु, ऐसा प्रबल वचन उनके मुंह से निकले पिता परमेश्वर, जैसा आप उन्हें इस्तेमाल करते आ रहे हैं प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ उनके जीवन के लिए प्रभु। और पिता परमेश्वर इन सारे प्रभु जी इक्विपमेंट्स को प्रभु पिता परमेश्वर और इंटरनेट को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु जी, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी रुकावट ना आने पाए प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को ठीक ठीक सुन सकें समझ सकें प्रभु, और अपने जीवन में प्रभु उसे कार्यकारी करने वाले हो प्रभु। मैं ऐसी विनती और प्रार्थना करती हूँ। इसलिए आगे के समय को प्रभु जी हरेक प्रियों को प्रभु आपके चरणों तले लाती हूँ प्रभु जी। सब पर आपकी आशीष कृपा बनी रहे प्रभु जी। हमारे हृदय को खोलिए प्रभु जी, हमारे मनों को प्रभु जी, हमारे कान प्रभु जी आपकी वचन की ओर लगे रहे प्रभु। ऐसी विनती और प्रार्थना करती हूँ। इसलिए प्रभु इस बहुमूल्य समय को मैं प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ, और हम सबको प्रभु मामू को आपके हाथ में सौंपती हूँ। और इस विनती को बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू रेचल फॉर योर प्रेयर, एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। सो फिर से एक बार मैं सभी प्रियजनों का, जितने लोग आ चुके हैं, प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपका स्वागत करता हूं, और जो लोग ऑन द वे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर परमेश्वर की सिद्ध मनसा को समझ सकें जान सकें। और जैसा यहूदा की पत्री में हम लोगों ने एक पद पढ़ा था, यद्यपि तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, फिर भी मैं तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं। सो इसमें इस अध्ययन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसका रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन इसलिए होता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी विषय में आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो और कोई शंका रह जाए, और सब बातें बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरी हो और हमारे समझ में आए, ताकि हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे लिए स्वर्ग में उसने रखा है उसे पूरा कर सके। और इसलिए बार बार एक ही बात को बताने में मैं थकता नहीं हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी सुनने में थकते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन हमें अंदर तक आनंद और शांति प्रदान करता है। सो बहुत सारे लोगों के लिए जो पहली बार मेरे साथ इस अध्ययन में जुड़े हैं, बहुत सारी चीजें नई हैं,
और जो पुराने लोग कंटिन्यू मेरे साथ हैं उनके लिए सब बातें रिपीट हो रही हैं। सो सब बातों के लिए सारी महिमा सारा आदर मैं परमेश्वर को देता हूं। और तब आज हम लोग बेसिक एक बात से शुरू करेंगे। ये जो वचन वर्ड ऑफ गॉड जो है, ये किताब के रूप में जो हमारे पास है, पूरे दुनिया में एक ही किताब है जिसके शब्दों को वचन कहा जाता है, वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन शब्द का कॉन्सेप्ट क्या है, किसको याद है? मैंने बताया, पुराने स्टूडेंट में से कोई बताएंगे वचन का कॉन्सेप्ट क्या है? एनीवन? इसको पूरी दुनिया में एक ही पुस्तक है जिसके शब्दों को वचन कहते हैं, हम लोग वचन के रूप में जानते हैं। तो ये नीचे वाली जो लाइन है वो उसका कंफर्मेशन है। वचन मतलब जैसा हम लोग बोलते हैं ना, हमारे नॉर्थ इंडियन लोग एक फ्रेज जानते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। और तब जो हमारे हिंदू शास्त्रों वाले लोग हैं वो लोग जानते हैं कि ब्रह्मा की लकीर, ऐसा ऐसा शब्द यूज होता है, ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी, ये बोला है उसने इन शब्दों, इसलिए इसको वचन बोलते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ वचन जो कभी टलता नहीं है। अब वो एक पुस्तक के रूप में हमारे हाथ में है और बहुत सारे लोग हैं जो इनमें लिखी बातों को जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे विश्वासियों में जो सब बातें नहीं जानते हैं, और जो अविश्वासी हैं वो बेचारे तक तो ये बाइबिल नाम की किताब जो है उनके लिए स्ट्रेंजर है, विदेशी किताब बोलते हैं। जबकि भारत देश में सिंपली विश्वासियों को ईसाई बोलते हैं, और ईसाई और मसीही में जमीन और आसमान का फर्क है। और इस किताब में मसीही शब्द लिखा है, ईसाई शब्द एक भी बार नहीं है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति यदि ईसाई शब्द यूज करता है तो ही इज अ स्ट्रेंजर फॉर दिस बुक, इस किताब से उसका संबंध नहीं है। हिंदी में हम लोग धर्म ईसाई लिखते हैं, मसीही लिखना शुरू करो और समझाओ लोगों को कि तुम मसीही हो, तुम क्रिश्चियन हो, नॉट ईसा से संबंधित नहीं है, क्राइस्ट से संबंधित, ये सब बातें मायने रखती हैं। और इसलिए आज हम लोग इसी किताब के विषय में कुछ बात को फिर से रिपीट करेंगे। द बाइबिल बोलते हैं, और द बाइबिल वर्ड जो है वो इंटरनेशनल वर्ड, किसी भी लैंग्वेज में इस किताब को बाइबिल ही बोलते हैं। तो ये बाइबिल शब्द ना, इसका नाम क्यों दिया गया? हिंदी में भी लिखा है पवित्र बाइबिल, कोई भी लैंग्वेज में आप ध्यान करो कि बंगाली हो चाहे कोई भी, ये जो बाइबिल सोसाइटी ऑफ इंडिया है बहुत सारे लैंग्वेजेस में बाइबिल डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसको और कोई नाम नहीं लिखता, चाहे वो कोई भी भाषा में हो उसको बाइबिल ही बोलते हैं। तो बाइबिल नाम क्यों है इसका? इसको इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? व्हाई इट इज द बुक इज कॉल्ड इन ऑल बाइबिल? क्योंकि इसके विषय में ये शब्द पूरी बाइबिल में केवल एक जगह आया है। बिब्लिया वर्ड है, ये एक्चुअल में हिब्रू शब्द है, उसको जैसे बैप्टिज्म जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, बैप्टाइजो है, वो ग्रीक वर्ड है। वैसे ही ये जैसे मसाया बोलते हैं, मसाया शब्द हिब्रू शब्द है, वो वर्ड भी बाइबल में पुराने नियम में केवल एक जगह आया। हम लोगों ने दानियल, जितने लोगों ने मेरे साथ अध्ययन किया उनको ये बात एकदम कंफर्म है कि कहां आया भाई, कोई जय एकाध जन याद तो वह कराओ, कौन सी किताब में ये मसाया शब्द यूज हुआ?
जब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? Anyone? जी दादा, आ रही है। आ रही है ना? तो भाई सब लोग साइलेंट है तो मुझको लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया क्या। ये मसाया वर्ड पूरी बाइबल में कहां पर आया? दानियल में, दानियल में आया। दानियल 9:25। वेरी गुड, ऐसा पूरा उत्तर चाहिए भाई। ठीक है, वैसे मैंने बोला किस किताब में, तो दानियल इट इज इनफ। मैं बोलता कि कहां लिखा है तो 9:25। एनी हाउ, अब ये बिब्लिया शब्द कहां पर आया? बिब्लिया का एक्चुअल वर्ड मीनिंग है कलेक्शन ऑफ बुक्स। ये कहां आया देखूं जरा, किसी को याद है? ये मैंने बताया हुआ है, जिससे बाइबल वर्ड इंग्लिश में उसका इंग्लिश फॉर्मेट बनाया गया बाइबल, एक्चुअल वो हिब्रू वर्ड है बिब्लिया। बिब्लिया का मतलब है कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रह। ये कहां आया? एनीवन? सोचना पड़ेगा। तो मैंने बोला ना कि बहुत सारी बातें नहीं भी सीखते हैं हम लोग, और कुछ कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए रिपीट भी होती हैं। तो ये शब्द आया है यहां केवल नए पुराने नियम में एक जगह और नए नियम में एक जगह। पुराने नियम में यहां आया, पढ़ो भाई दानियल 9:1-2। मादी शरेश का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था। अच्छा रुक जा, रुक जा, मराठी हिंदी में गोलमाल हो रहा है, फिर से पढ़ो जरा। मादी शरेश का पुत्र दारा जो शयर्स है वो शयर्स, यस मादी शयर्स का पुत्र दारा, हाँ पढ़ो। जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। ये जो शास्त्र शब्द आया है यहीं पर बिब्लिया वर्ड है, मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा। तो एक तो शास्त्र की बात नहीं करता है दानियल, कहां से शुरू करता है? तो बार बार यदि दानियल की पुस्तक का अध्ययन याद करेंगे आप, तो व्यवस्था विवरण से लेके जो जो बात तूने अपने लोगों को दिया था, ये 9 अध्याय को पूरा पढ़ लेना और यर्मिया तक जाता है। तो ये बहुत सारी किताबों की बात कर रहा है, शास्त्रों। मुझ दानियल ने शास्त्रों के द्वारा समझ लिया कि, क्योंकि आगे यदि ध्यान करोगे तो तूने हमारे को ये व्यवस्था दी थी और ऐसा और वैसा, वो व्यवस्था विरोध को कोट करता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो यहां लिखा है मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि, आगे शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तो ये वर्ड ओल्ड टेस्टामेंट में केवल एक जगह यही आया है, मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा। इसी के लिए शास्त्र के लिए बिब्लिया शब्द यूज हुआ। तो ये केवल किसी एक बुक की बात नहीं कर रहा था। अब इसी को पौलुस ने दूसरे ढंग से यूज किया भाई, पढ़िए 2 तिमोथियस 3:16-17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और अब यहाँ पर इसने इसको, वहां तो केवल एक शास्त्र लिख दिया इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, पर यहां लिखा हर एक पवित्र शास्त्र। पढ़ो भाई, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये किताब आपके हाथों में पहुंची है, उसका मूल कारण क्या है?
समझाने सुधारने धर्म की शिक्षा उपदेश ये सब तो लिखा है, पर मूल कारण लास्ट लाइन में क्या, किस लिए, किस लिए? परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए, ये लिखित में है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। अभी हम लोग ईसाइयों के बीच में बड़ा प्रॉब्लम है, जिस जिस बात की डिमांड है उसमें आदमी इनोसेंटली क्वेश्चन रेज कर देता। क्या बोलता है मनु, कोई सिद्ध है क्या? अरे सिद्ध के बारे में तुमको मालूम भी है कि सिद्ध का डेफिनेशन क्या है? अ मैन शुड बी क्लीन होली एंड परफेक्ट। बार बार हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान करने में अपना मन लगाए हुए हैं कि जो किंगडम, जो इटर्नल, जो ओमेगा आने वाला है, इट विल बी परफेक्ट। और जो परफेक्ट नहीं है वो वहां फिट होगा ही नहीं। इसलिए बार बार रोज परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने उपाय किया है कि तुम सीनो, सीखो, समझो, सिद्ध बनो। और केवल सिद्ध बनना नहीं है, दो बातें हैं। वो यदि कुछ बना रहा है हमको तो किस लिए बना रहा है? एक बार फिर से इफिसी 2:10 निकाल के पढ़ लो भाई, इफिसी 2:10। ये लाइन को अलग अलग ढंग से यदि आप काउंट करोगे तो पौलुस ने ना जाने कितने बार मेंशन किया है। क्या बोल रहा है भाई 10? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहाँ भी बोल रहा है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आपको अपना भला काम जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए ठहराया गया है, डू यू नो इट? ये वेरी पर्सनल एंड इंडिविजुअल है, सबका एक जैसा काम नहीं होगा। एक देह में कितने अंग है भाई, तो इसका तो कोई हिसाब नहीं। और हर पहला कुरंती 12:13 हर बार घूम फिर के आ जाता है, कितने लोगों ने सही में उस पर ध्यान लगाया कि नहीं लगाया। अंग तो बहुत हैं पर सबके काम एक जैसे नहीं है, और कोई किसी को नहीं बोल सकता कि तेरी मेरे को जरूरत नहीं है। और जो अंग सबसे कमजोर दिखता है उसी को ज्यादा आदर मिलना चाहिए, ऐसा लिखा है भाई। गॉडली अरेंजमेंट ऑफ दैट फैमिली कॉल्ड द चर्च, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है उसमें जिसको हम लोग किसी काम का नहीं दिखता ना, उसी का आदर करना सीखो। हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हो सकता है कि वो भला काम छोटा से छोटा हो। बड़े बड़े काम करने वालों को तो मैं एक दिन बोल दूंगा, बोला है कि मैं तुमको नहीं जानता कुकर्मी। ये सारी लाइन याद रखना। महीन मलमल जो धर्म के काम है, फाइन छोटे छोटे काम, आप किसी बड़े काम के लिए मत खोजो। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा काम हम नहीं कर सकते, यू कैन, हम सब कर सकते हैं। पर मान लो तुमको कोई छोटा काम मिले तो उसमें मुंह नहीं बनाने का है। इसलिए सबसे पहली बात ये, द बाइबल इज गिवन फॉर व्हाट, कि एक व्यक्ति परमेश्वर का जन, दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी परफेक्ट, ट्रूली फर्निश्ड अनटू ऑल गुड वर्क्स। और यहां पर दैट द मैन, MAN है, EN नहीं है, मतलब इंडिविजुअल, परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोग नहीं लिखा है। तो इसमें चाहे आप भाई हैं, बहन है, उम्र छोटा है, बड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इफ
you are belongs to God, if you think that you are a person of God, a child of God, तो ये आपके लिए applicable है. इसलिए इस परमेश्वर के वचन को जितना चाहिए उतना जगह दो, जितना आदर करना चाहिए उतना आदर करो. और नहीं तो एक लाइन बोलता हूं मैं, करो या फिर, किसी को याद है क्या बोलता हूं इसके साथ, करो या मरो. भाई दो में से एक बात है. इफ यू विल डू यू विल सेव योरसेल्फ, किसी के लिए नहीं, तुम अपने आप को बचाओगे. सामने वाला मारा जाए, हम लोगों ने तो पढ़ा बहुत अच्छे से कि तूने जो उसको चिताया और वो यदि चिताने के बाद भी मारा गया तो वो तो मरेगा अपने पापों में, पर तू अपने को बचाएगा. तू अपने को बचाने का काम है. हर एक भले काम के लिए तत्पर, तत्पर मतलब eagerness दिखना चाहिए. How many are eager for to do the good works? प्रभु जानता है और आप स्वयं जानते हो. अब ये जो परमेश्वर का वचन है ये दो ढंग से आया है. कुछ चीजें सीधे परमेश्वर ने कहा और कुछ चीजों को उसने इंस्पायर किया है. दोनों बात होता है. Sometime you will get dictation, परमेश्वर ने मुझसे कहा, और sometime तुम्हारे अंदर, कई बार मैं पूछ लेता हूं किसी, तुमको किसी ने बोला क्या ये काम करने के लिए, तो बोले नहीं किसी ने बोला नहीं पर मेरे अंदर आया. This is called inspiration. It may be you are an inspired one, या it may be परमेश्वर ने सीधे तुमसे बात किया. दोनों हो सकता है, नो प्रॉब्लम. पढ़िए पहला कुरिन्थियों 1:4-5. मैं तुम्हारे आज के डेट में कम से कम मैं भी ये काम कर सकता हूं जो पौलुस कर रहा था. 3 साल से मेहनत कर रहा हूं. जब से लॉकडाउन लगा मैं लॉकडाउन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया. मैं दूसरों के समान परेशान नहीं हुआ. मैंने ये जान लिया था आत्मा में कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को तैयारी का समय दिया. सारा सिस्टम ड्रॉप करके बोला कि तुम घर में रहो और मेरे वचनों पर अपना मन लगा लो. वैसे तो टाइम रहता नहीं तुम्हारे. तो मैं तुम्हारे विषय में, पढ़ो भाई, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए. कम से कम अब हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि सारे वचन और सारे ज्ञान में, ये जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान है यही हमारे लिए वेल्थ है, स्पिरिचुअल रिचनेस, धन है ये. और तब ये धन रखता किस में है वो, पढ़ो भाई, हमारे पास, 2 कुरिन्थियों 4:7, हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है. ये सोने चांदी के बर्तन में नहीं रखता भाई, किस में रखता है, मिट्टी के बर्तनों में, हम में. ये एक गाना याद आ जाता है मेरे को, क्या गाते हैं हम लोग ये मिट्टी के बर्तन के बारे में, किसी को याद है क्या, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार. ये मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार कभी समझा भी है, है? उसका सिस्टम क्या है, ये शब्द, ये गाना जितने लिखा उसको धन्यवाद देना चाहिए, पर किसने लिखा मुझे भी नहीं मालूम, और जितने गाते हैं उनको भी नहीं मालूम कि बाइबल में लिखा हुआ है तू है कुमार, कहाँ लिखा है भाई, ऐसा है कि पुस्तक में ना, यर्मिया, यस यर्मिया, यर्मिया 18
एक से जरा पढ़ तो लो क्या हुआ था, जरा किस्सा इसको समझा देता हूँ आज मैं। प्रभु बोलता है कि बेटा ये समझा दे, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, गाना जरूर गाते हैं, लिखा कहाँ है ये भी मालूम हो सकता है, पर हुआ क्या था, पढ़ो जरा एक पद से भाई। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने अच्छा वचन। कितने लोग कुम्हार को काम करते देखे हैं? यदि तुमने नहीं देखा है तो यू कैन अंडरस्टैंड, इसमें मेरे को 101% डाउट होगा। क्यों मालूम? परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि उठ, यहां नहीं समझ में आएगा तेरे को। मुझे याद आता है जहां मैं रहता था मेरी बड़ी बहन के घर में, और वो लास्ट ब्लॉक था भारत एल्युमिनियम कंपनी का, उसके पीछे एक नाला था और नाले के ऊपर एक कुम्हार रहता था। जब ये वचन को पढ़ा तो मैं बोला ऐसे नहीं समझ में आएगा भाई, मैं भी चलता हूँ, जरा बगल में कुम्हार है। मैं गया तो माथा पीट लिया। If you want to understand in proper way, तो जो जो instruction रहता ना उसको कर लिया करो। कुम्हार पढ़ो तो जरा, देखें क्या लिखा है। उठकर कुम्हार के घर जा, जिसने कुम्हार को काम करते नहीं देखा है वो ये मिट्टी का बर्तन का कॉन्सेप्ट समझ में उसको आएगा ही नहीं कभी। क्या हुआ आगे? तो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। ये चाक क्या होता है? चक्की। ये चाक क्या होता है? चाक पर कुछ बना रहा था। कुम्हार को देखा, उसके घर गया और वो देखा। मैं जब चाक पढ़ा तो मुझको वो स्कूल वाला चाक समझ में आया। मैं बोला कुम्हार के हाथ में चाक क्या है? तो क्या ड्राइंग बना रहा था। मैं जब वहां गया तो समझ में आया कि चाक इट इज कॉल्ड अ व्हील। और इतना साइंटिफिक मूवमेंट है वो, कैसे बनता है बर्तन आपने देखा नहीं है, नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आपको समझाता हूं। क्या लिखा है वो पढ़ लो फिर से पढ़ो उस लाइन को। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। कुछ बना रहा था वो आगे। और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। लिखा है कि जो मिट्टी का बर्तन जिसको बना रहा था बिगड़ गया, तो मुझको ये समझ में नहीं आया कि बिगड़ा हुआ चीज को उसी का दूसरा कैसे बनाएगा। मुझे जाना पड़ गया तो मैंने जो कुछ देखा इट वॉज वेरी डेंजरस। मैं उस कुम्हार से बात किया, अनपढ़ गंवार होते हैं उन लोग, पर हस्तकला ये जो शेपिंग होती है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। मुझे कम से कम 2-2.5 घंटा लगा पूरी बात समझने में जब वो काम कर रहा था। और उससे मैंने पूछा तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर मिट्टी से बर्तन नहीं बनता है, विशेष प्रकार की मिट्टी होती है वो। कोई भी मिट्टी से बर्तन तुम नहीं बना सकते, पहली बात। अब वो मिट्टी को पता नहीं, अब नाले किनारे घर था पर वो मिट्टी को वो नाले के उस पर जंगल था उधर कहीं से लेके आता था कंधे पे उठा के, और मिट्टी को लाया और उसके बाद क्या करता है मिट्टी को, पानी के साथ में, जैसा हम लोग महिलाओं को ठीक समझ में आएगा, यदि आटे के साथ पानी का मिक्सिंग कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो जो भी चीज आप पकवान बना रहे हो ना, या तो वो लोहा जैसे कड़ा हो जाएगा या तो पता चला कि रेत जैसे भुरभुरा हो जाए। देयर इज अ परफेक्ट रेशियो एंड देयर इज अ परफेक्ट टाइमिंग उसको गूथने के लिए बराबर। जिसको ये सब काम नहीं आता वो उसका पकवान अच्छा कभी बनता ही नहीं है।
ये कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी आती है उसको भी ये करना पड़ता है. डू यू नो व्हाट वाज द पिक्चर ऑफ अय्यूब? अय्यूब के बारे में शैतान को परमेश्वर ने बोला था, क्या बोला था? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? देखने लायक था वो. शैतान कुछ नहीं बोल रहा था, ये परमेश्वर ने पूछा था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा ऐसा ऐसा कोई नहीं. मालूम है वो वैसा कैसे था? तो अय्यूब 10:9 पढ़ो जरा. वो वैसा कैसे था उसकी परिभाषा उधर लिखी है, पढ़ो. अय्यूब 10:9 दादा. सर कि तूने मुझको गुंदी हुई मिट्टी की नाई बनाया, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या दैट वाज द सेम थिंग अय्यूब बोल रहा है कि तूने मुझको गुंदी हुई मिट्टी की नाई बनाया. मुझको भी उसने गुंदी हुई मिट्टी की नाई बनाया. इट मे बी यू आर ऑल्सो इन द प्रोसेस. जब आटा गूंथते हैं तो क्या करते हैं भाई? आटा कैसे गूंथते हैं? थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हैं. और क्या वो पानी मिला देने से आटा गूंथा जाता है? हाथ से मसलते हैं. अरे फाइटिंग ऐसा ऐसा करके. और उसको गूंधने का मतलब क्या है? मिलाना अलग होता है. मुलायम. उसको गूंथना पड़ता है. मान लो परमेश्वर को तुमको बर्तन बनाना है तो पहले तो गूंधेगा. आटे में यदि प्राण होता तो चिल्ला चिल्ली मचा देता हो. क्यों? उसको गूंथा जा रहा है. मिट्टी में यदि प्राण होता तो ये कुम्हार क्या करता मालूम है? पानी डाल के उसको रौंदता है, पैर से ऐसा मिक्स करता है. और उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर मिक्सिंग होता है. उसको बोलते हैं नॉर्मली हिंदी भाषी एरिया में, अब महाराष्ट्र वाले क्या बोलते हैं आई डोंट नो, व्हाट इज इट इज इन बंगाली आई डोंट नो, पर जो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं उन लोग शायद समझेंगे. पाग बनाना पड़ता है. पाग बोलते हैं उसको. किसी भी चीज का पाग बिगड़ जाए तो वो पकवान खराब हो जाता है. इधर वही लिखा है कि जो बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया. तो मिट्टी को पूरा मिक्सअप करने के बाद अब बर्तन बना रहा है. बर्तन कैसे बनता है मालूम है? मिट्टी का एक लोंढा उठाकर वो चाक पे रखता है बीचों बीच, और उसके बाद चक्के को फुल स्पीड में घुमाता है. जैसे हम लोग मिट्टी का, बच्चे लोग कभी कभी बर्तन बनाते हैं या गुड़िया बनाते हैं तो कुछ नहीं, उंगली से शेपिंग करते हैं, पर ये बर्तन वैसा नहीं बनता है. बर्तन बिना चाक के बर्तन बनता ही नहीं है. चाक चाहिए. उसका कारण क्या है ये मेरे को उसने बताया बाद में. उसने जब चक्की को घुमाया और दो उंगली अपने अंगूठे को ऐसे डाल के, और उसके बाद वहीं से शेपिंग देते हैं, शेप देते हैं उसका गर्दन, उसका गोल, उसका बर्तन जो खड़ा या जो भी बर्तन होता है उसको उंगली से ही शेप देता है. अब शेप देते समय उसका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो बर्तन का रूप थोड़ा डिस्टर्ब हो गया. तो एक 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 स्टील का एक पट्टी होता है, आजकल तो नहीं आ रहा है, पहले कुछ साल पहले तक जो बड़े बड़े बॉक्स होते थे पैकिंग के, वो पैकिंग के लिए एक पट्टी आती थी. उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको लगा के ऐसा घुमाते थे तो टाइट हो जाता था. कहीं पास बड़ा पैकेज पार्सल भेजना है या कोई लगेज भेजना है तो पट्टी लोहे की, वो ही रखा था. वो
और जब वो यदि बर्तन ने शेप ले लिया तो उसको वो ही कर सकता है, केवल कुम्हार जानता है, हम लोग करेंगे तो सब बिगड़ जाएगा। वो पत्ती से उसने नीचे लगा के उसको काटा, और मालूम है जितना देर में ये घुमाता है, क्यों घुमाना पड़ता है, एयर एजिटेशन, हवा के वो हवा में वो जो बर्तन है वो इतना कड़ा हो जाता है कि उसको उठाया जा सकता है, वेरी साइंटिफिक, और उसको उठा के फिर वो ले जाके धूप में रखता है ताकि वो और सूख जाए। ये प्रोसीजर है। अब एक बर्तन बिगड़ गया, वो चक्का घूम ही रहा है और उसका कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, तो उसने उसको काटा। और जैसे मान लो आप रोटी बना रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको, चपाती बनाने के पहले हाथ में जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैं जो जानता हूं लोई बोलते हैं, ये बंगाली में और मराठी में कुछ और हो सकता है पर हिंदी में लोई बोलते हैं। तो लोई मान लो कम ज्यादा या कुछ हो जाए तो हम लोग वापस गुटे हुए आटे में उसको मिला के दूसरा लोई बना लो। उसने वो मिट्टी को बाहर फेंक दिया तो मुझे थोड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ कि यार इतना मेहनत से, एक तो वो आम मिट्टी नहीं है, कहां से लेके आया और उसको उसका पाक बनाया हुआ है। अब मान लो कुछ थोड़ा सा बिगड़ गया शेपिंग, तो मिट्टी को उसमें नहीं मिलाया, बाहर फेंक दिया। मुझे पूछना पड़ गया कि भाई साहब ये इतना मेहनत से मिट्टी लाया, इसको थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया तो वापस इसमें मिला लेना था। वो हंस दिया, बोला आपको नहीं समझोगे, मैं बोला उसी को समझना है मेरे को भैया, समझा। तो उसने जो बताया उसी से मैं माथा पीट लिया। क्या बताया मालूम, कि जो बर्तन एक बार प्रोसेस में आ गया, एयर ले लिया, अब ये इसको यदि उठा के तुम वापस उस मिट्टी में डालोगे जो प्रोसीजर के लिए है अभी तैयार, तो पूरी मिट्टी का पाक खराब कर देता है, इसलिए उसको बाहर फेंकना जरूरी है। मैं अंदर तक घबरा गया, ये क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, फिर से पढ़ना जा रहा है यर्मिया, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। तो मैं कुम्हार के घर गया और क्या सुनवाया, नहीं दिखाना चाहता था वो, क्योंकि ऐसा बोलने से उसको समझ में आना, मेरे को नहीं आ रहा था। यिर्मयाह गया, आगे क्या लिखा है, तो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। कहने का मतलब उसने उसी का बोलने से, मैं वही जानना चाहता था, उसी को नहीं बनाया, उसको तो फेंका बाहर और वो मिट्टी का लोंढा पड़ा रहा था, फिर से हाथ डाला और उसी में से दूसरा बनाया। उसका बोलने का मतलब है एक लोंढे में से कई शेप बनाते हैं लोग, आप दिया दी जाके देखोगे तो समझ में आएगा। आगे क्या लिखा है भाई, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि अब यिर्मयाह से नहीं बोल रहा हूं, वो इज़राइल के घराने बुलाए हुए लोगों से, वो अपने परिवार के लोगों को ये बताने के लिए यिर्मयाह को बोला कि जा कुमार के घर। अब यहां बोल रहा है कि क्या तुम्हारे साथ मैं वही काम नहीं कर सकता, कौन सा काम, कि तुमको मैं शेपिंग देना चाह रहा हूं, बर्तन बनाना चाह रहा हूं यूजफुल, तुम बिगड़ रहे हो, तुम बनना नहीं चाह रहे हो तो फेंकेगा। इसलिए दूसरा कुरंथी 4:7 फिर से पढ़ो भाई, ये सब बातों को ठीक ठीक समझ में आना चाहिए। प्रभु ने बोला बेटा तू चलते जा, अभी अभी लैंड कब से है भाई, कितने लोग जो मेथोडिस्ट वाले हैं या जो मेन लाइन चर्च में,
एनीवन कैन हेल्प मी, लेंट कब से शुरू हो रहा है? सेकंड वेंसडे तारीख 2 तारीख सेकंड मार्च 2 तारीख से लेंट शुरू. तो 2 तारीख से अगले समाचार मिलने तक मीटिंग बंद, नो बाइबल स्टडी, बिकॉज वो 8 से 9 सारे मेन लाइन चर्चेस और जो भी, जैसे क्रिसमस में मुझे बंद करना पड़ा, प्रभु ने आज ही मुझे बताया कि पूछ लेना भैया लेंट कब से है, तब से मतलब ये आज 28, कल 1 और परसों 2 है ना जी. तो देखता हूं मैं, प्रभु से पूछूंगा, नहीं तो कल से ही मीटिंग अगले ईस्टर तक, और ईस्टर के बाद अभी जैसे मैंने क्रिसमस टाइम पे बंद करके 10 तारीख को ओपन किया, वैसे ही मई का फर्स्ट या सेकंड वीक में मेरा ट्रिप नॉर्थ इंडिया का पूरा होगा. वेन एवर आई विल कम बैक टू माई होम एट पुणे, तब हमारी क्लास फिर से शुरू होगी. क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस अध्ययन को मिस करे. और बहुत सारे लोग अपने चर्चेस के प्रोग्राम में, उनको जाना, मैं किसी भी मेनलाइन चर्च के टाइमिंग्स और उनके प्रोग्राम को डिस्टर्ब कभी नहीं करता. इसलिए तो प्रार्थना में रहिए. और आज प्रभु से मुझे पूछना पड़ेगा, मैं सोच रहा था अभी 1 हफ्ता चलेगा, पर 2 तारीख से है तो कल का अध्ययन के बारे में सोचना पड़ेगा. तो एनीहाउ, गॉड इज गोइंग टू मेक यू अ पॉट, मिट्टी का बर्तन तू है कुम्हार. वे गाना गाने से नहीं बनेगा भाई, तुम बने क्या उसका बर्तन, क्योंकि वो सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी, ये धन रखता कहाँ है? वो मिट्टी के बर्तन में, हवा में नहीं रखता. पढ़ो भाई 2 कुरिन्थियों 4:7. हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे. यह असीम सामर्थ, ये जो परमेश्वर का वचन है, सामर्थी वचन, जिसको हथौड़ा बोला, जिसको तलवार बोला, ये हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से. और किस में रखता है? सोने चांदी के बर्तन में नहीं रखता. ये मिट्टी और बर्तन, सोने चांदी में एक डिफरेंट बता दूं कि तुम ज्यादा अपने को कुछ समझोगे. मिट्टी मतलब जिसका कोई कीमत नहीं. भजन संहिता 103 में लिखा, क्या लिखा? कि उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी ही है. हाँ, तो अपने को सोना चांदी मत समझ लेना. कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया, बाइबिल बोलती है, मेरे को तो रोज चिताता है कि बेटा तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया. दूसरे से मतलब जो भी मेरे पास है वो परमेश्वर का है, मेरा नहीं है. पौलुस ने लिखा, तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया. कहाँ लिखा भाई, कोई किसी को याद है? एनीवन? कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थी बता, 4 अध्याय का 7 है कि 8 है, पढ़ लो एक बार. 7 है, पढ़ो. क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया. ये बोलता है, मेरे को याद दिलाता है रोज कि बेटा कुछ भी ये मत समझना कि आई एम समथिंग. मिट्टी का बर्तन उसने रखा है, इसलिए तुम यदि धनी हो या धनी किए जा रहे हो, डोंट से
कई बार कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाता है ना, तो ज्ञान क्या उत्पन्न करता है, लिखा इसी पहला कुरंती में, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। कुछ थोड़ा सा हमारी जानकारी दूसरों से अलग हो जाए तो हम लोग कुछ अपने आप को समझने लग जाते हैं। प्रभु ने मुझको बोला कि बेटा जितना नीचे, इसी में आगे पढ़ लेना, प्रेरित अ मैन हु इज इंस्पायर्ड, पौलुस बोलता था, सबके बाद सबसे नीचे जमीन के अंदर, पढ़ लेना इसको 8 से आगे, नेक्स्ट पैरा खत्म होते थे, कैटेगरी वो है जिनको इंस्पायरेशन मिलता है, जिनको परमेश्वर के वचन का प्रकाश मिलता है, उनकी जगह कहाँ है, तो सबके बाद। प्रभु करे इन सारी बातों को गंभीरता पूर्वक हम समझें। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा भाई, पढ़ो भाई इंग्लिश। अल्फा, 5 एजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा के बीच 5 एजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इसको हमने देखा। वो जो नक्शा बना के मैंने भेजा था उसमें 4 है, पर उसके पीडीएफ में नीचे राइट लेफ्ट साइड में लिखा है होमवर्क, मैं बोलना भूल गया, 1 एज उसमें छोड़ दिए थे हम, कौन सा, इनोसेंस कॉन्सियस एज से शुरू किया, इनोसेंस एज उसको छोड़ दिया, जबकि पढ़ लो भाई क्या क्या, इनोसेंस कॉन्साइंस लॉ ग्रेस मिलेनियम सिमिलर टू पैराडाइज। जो इनोसेंस एज था जिसमें ये सारे पशु पक्षी बनेले रेंगने वाले एक साथ रहते थे, देयर वाज नो वाइल्डरनेस, वाइल्ड नेचर नहीं था किसी का। मिलेनियम में भी ये होने वाला है, हम लोगों ने देखा यशया में लिखा है कि करैत के बिल में बच्चा हाथ डालेगा और शेर और क्या बोलते हैं सिंह और बकरी एक जगह पानी, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ, सिमिलर टू पैराडाइज, द प्रायर पैराडाइज, जो जो अदन की बारी थी। पढ़िए, पढ़ो भाई यहाँ जॉन 17:1-3, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं, ये प्रभु की प्रार्थना क्या है भाई, हम लोग क्या बोलते हैं, लॉर्ड प्रेयर, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। गलत बात, चेलों ने पूछा था कि प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा दे, तो यीशु ने बोला ऐसा प्रार्थना किया करो, क्या किया करो, हे हमारे पिता, तो चेलों की प्रार्थना है वो, प्रेयर फॉर डिसाइपल्स, दैट वाज द ब्लूप्रिंट हाउ टू प्रे, जो चेले लोग थे उन लोग पूछे थे। लॉर्ड्स प्रेयर बोलने से, दिस इज ओनली द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रिस्टली प्रेयर, उसने एज अ मीडिएटर, एज अ मीडिएटर, एज अ प्रिस्ट, उसने विचवई का काम किया, पूरा 17 अध्याय प्रिस्टली प्रेयर है। उसने, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें उठा आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, दिस इज कॉल्ड लॉस्ट प्रेयर, अपना अपना वो पुराना दिमाग डिलीट कर दो। कई बार ना, कई लोग बोलते हैं कि ये जो शेखर नंद है
वो उल्टा पुल्टा बात सिखाता है, जो लिखा है उससे मुझको कोई नहीं हिला सकता। और तुमको भी यदि मेरे साथ रहोगे तो हिलने नहीं दूंगा। कोशिश करो कि कोई हिले मत, क्योंकि बाइबिल में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन में से कुछ भी उल्टा पुल्टा किया या वैसे ही सिखाया तो तुम तो मरोगे ही, तुम्हारे साथ दूसरे लोग भी मारे जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक बिंदु मात्रा प्लस माइनस नहीं हो सकता। दैट इज डिसाइपल्स प्रेयर, नॉट प्रेयर ऑफ जीसस। ये है जब यीशु ने क्या बोला था कि जिन्हें तूने उसको दिया है उनको वह अनंत जीवन दे, इसकी प्रार्थना कर रहा है। और अनंत जीवन का डेफिनेशन क्या है पढ़ो भाई, येलो कलर। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये दोनों को जानना ही अनंत जीवन है। तो इसके बारे में अब पता नहीं आज तो नहीं हो सकता, और अगला लैंट के कारण कल से यदि मीटिंग बंद होगा, क्योंकि ये अनंत जीवन को समझना है। प्रभु ने बोला कि बेटा अनंत जीवन मतलब लोगों को सच्चे पर अद्वैत सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जानना। टाइम लगेगा भाई, पर आज मुख्य रूप से एक बात बता दो, यीशु ने ये बातें कही उसके बाद, तो कौन सी बातें कही जरा इसको तो ध्यान करो, पढ़ो भाई। नीतू तुम बीच बीच में गायब कहां हो जाते हैं? एनीवन कैन रीड जिसको दिखाई दे रहा है। फसा के पर्व के, हाँ पढ़ो, पढ़िए पढ़िए। फसा के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, पूरा यूहन्ना रचित सुसमाचार को यदि ध्यान करोगे तो ये तीनों पर्व थ्री टाइम्स खोज लेना, मिला लेना, कि पर्व के बारे में बोलता है पर्व। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है लगभग ये यरूशलेम के आसपास की का वर्णन है। जब भी फसा होता था तो यरूशलेम को जाता था, तो 3 साल काम किया। तीनों साल फसा के समय में यहूदियों का ये नियम था कि फसा का पर्व मंदिर से बाहर यरूशलेम से बाहर नहीं माना जा सकता। इसलिए एक जन रानी कंदाके का मंत्री कुछ देश से पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को आया था। इन लोग दुनिया के किसी कोने में हो, किसी भी काम में हो, जब फसा का पर्व का समय आए तो उनको अपने यरूशलेम अपने नगर को जाना रहता था। ये यहूदियों के लिए हार्ड एंड फास्ट। तो यहां लिखा है कि जब यीशु ने जान लिया कि दिस इज द लास्ट टाइम, लास्ट फिस्ट, मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो क्या लिखा है भाई कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मैं देखते रहता हूं और मजा लेते रहता हूं। क्या चीज का मालूम, जब किसी को ये समझ में आ जाता है कि अब ए मेरा एंड टाइम आ गया है, तो वो चिल्ला चिल्ली मचाना, इसको डांट उसको फटकार, वो उसका चैन सब भंग हो जाता है। ये क्या कर रहा था? जब उसको मालूम हो गया कि नाउ, और वही लास्ट नाइट था, वो लास्ट डे था, क्या लिखा है आगे, तो अपने लोगों से जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही डीलिंग करता रहा। व्हाट अबाउट यू?
आगे पढ़ो भाई। और जब शैतान शौमैन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए। लॉर्ड सपर जो था, ये अभी आने वाला है, ईस्टर वीक का थर्सडे इवनिंग, क्योंकि उसी शाम को उसने ये सफर किया था अपने चेलों के साथ। उनके लिए नियम था कि दूसरे दिन फसा का बलिदान होने वाला है, उसके पहले उसने ये फिश दिया था कि ये किया करो मेरे स्मरण के लिए। और तब क्या लिखा है, अपने टेबल में से भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए। और क्या लिखा है, पढ़ो भाई जल्दी जल्दी। और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोछने लगा। ये अजीबोगरीब काम कर रहा था। तब क्या हुआ, आगे पढ़ो भाई। जब वह शमौन पत्रस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पत्रस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसके पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वालों को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। ये क्या चीज बताना चाहता है? लिखा है कि पतरस ने बोला, यदि धोना जरूरी है तो एक काम करना, नहला दे मेरे को। ये बोलना क्या चाहता है? Those who are clean और those who are moving for the gospel, उनके पांव में धूल तो आएगा, कुछ गंदगी रहेगी, उसको धोना। और क्या बोला मालूम आगे, ये करके दिखाया मैंने। पढ़ो भाई। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ, मतलब यदि कोई वर्क में फील्ड में है और उसके साथ कुछ गंदगी दिख जाए तुमको, फील्ड में जाने वाले के लिए चांस बनता है कि पांव गंदे हो। घर में जो बैठ के बाइबिल बाजी कर रहा है ना, उसका पांव गंदा कभी नहीं होगा। पर तुम निकलोगे, कुछ करोगे, तो कुछ ना कुछ गंदगी आएगी, कभी दूसरों के कारण, कभी अपने कारण। उसको क्या लिखा, आगे पढ़ो। क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि इसमें वो करके। अब कई लोग, कई जगह ऐसे ऐसे डिनोमिनेशन में देखा हूं कि सही में हाथ पांव धोते हैं। अरे भाई, हाथ पांव धोने का मतलब नहीं है एक दूसरे का, यदि कोई चीज तुमको दिख जाता है कोई गंदगी, तो एक दूसरे को क्षमा करो, नमूना दिया, तुम भी वैसा ही करो। ये हाथ पैर धोने की बात नहीं थी। नाउ दैट क्लीननेस विच इज रिक्वायर्ड, नॉट फिजिकली, नहाने की बात नहीं है, जो आत्मा को, आत्मा में जो शुद्धता है उसकी बात है भाई। ये तुम भी वैसा ही क्या करो। और आगे,
कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तो भैया आज तक शायद आपने इस बात पे ध्यान नहीं किया, अब तुम जान गए हो, यदि उन पर चलो तो धन्य और ना चलो तो मरो। पढ़ो भाई आगे। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तुम्ही में से एक जन है जो मुझको पकड़वाने जा रहा है। इसके कारण वो आत्मा में व्याकुल हुआ। क्या लिखा है आगे? चेले यह संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक दूसरे के ऊपर डाउट हो गया कि कौन है रे। अच्छा पतरस क्या बोला, आगे पढ़ो जन। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर सेन करके पूछा कि बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुक कर पूछा, हे प्रभु वह कौन है? ये कौन है वाला क्वेश्चन मार्क बन गया। मत्ती 26:25 में बहुत डेंजरस बात लिखा है, पढ़ो जरा। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी क्या वह मैं हूं? भयंकर आदमी था जो पैसा लेके बैठा है, जो ऑलरेडी बात करके आया हुआ है, वो पूछ रहा था कि एम आई ये भी कैटेगरी होती है भाई। पूरा पूरा चोरी करके लोग पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में सोच रहे क्या। ईसाइयों में यीशु के चेलों में से एक जन का ये पिक्चर है, 12 में से एक हो सकता है। कि आप अपना अपना देख लो कि कई बार जब कोई चार्ज आता है हमारे ऊपर और कोई चीज क्लियर होती है, ओपन होता है, तो जो आदमी जिसमें फंसा है ना उसी के विषय में खुद ही बोलता है कि क्या मैं हूं क्या हूं। प्रभु सहायता करे ये वचन सारे। अब आगे पढ़ो भाई। हे बालको मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम उसके चेले हो, इसका प्रमाण क्या? आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। आगे शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, ये एक दूसरा इवेंट है 13 अध्याय में। दो हो गया, तीसरा कहना चाहिए। एक तो उसने नमूना दिया, दूसरा वो बताया कि तुम ही में से एक जन। तो यहूदा बोल रहा था कि क्या मैं हूं क्या प्रभु, जबकि उसको मालूम है कि वही था। अब तीसरा क्या लिखा? शमौन पतरस ने उससे कहा हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूँ वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। ये जोश में आ जाता था बीच बीच में, पानी में आ रहा था तो उतर गया, मैं भी आऊं क्या? अब यहां बोल रहा था कि तेरे लिए प्राण दे दूंगा, कुछ घंटे बाद बोला कि मैं तो उसको जानते ही नहीं।
तीन बार, नॉट वंस, थ्री टाइम्स उसने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं जानता उसको कौन है, पढ़ लेना, पढ़ो भाई। मोटा मोटा कुछ बात बता दूं, उसके बाद कल का देखा जाएगा। सर्मन ऑन द माउंट, ये पहाड़ी उपदेश बोलते हैं। मैं जिस चर्च से हूं हमेशा उत्तरवादी की पाठ में और गाने की किताब के पीछे एक वो रहता है सर्मन ऑन द माउंट, कहां किसको बोलते हैं भाई? पास्टर हो बताओ जरा, मत्ती 5:1-12 यही लिखा रहता है पहाड़ी उपदेश। तो मैं बता देता हूं पहाड़ी उपदेश बोलने से, पढ़ो भाई मत्ती 5:1-2। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। और 8:1 में क्या लिखा है? जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। इसका मतलब, इसका मतलब 5, 6, 7 थ्री चैप्टर्स और कॉल्ड पहाड़ी उपदेश। इसको याद रखना, भूलना मत पास्टरों, कभी भूल के 1-12 पढ़े, और यदि कोई तुम्हें सताए तो आनंदित और मगन होना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए उत्तम फल है, खत्म। आगे कौन पढ़ेगा? सर्मन ऑन द माउंट, थ्री चैप्टर्स आर सर्मन ऑन द माउंट, एंड व्हाट इज द सर्मन ऑन द माउंट? पढ़ो भाई। अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। एक्चुअल न्यू टेस्टामेंट कहां पर है यदि कोई पूछता है तो बताओ? 5, 6, 7 जहां पर उसने बोला, बार बार एक बात बोला, तुम सुन चुके हो, पहले तुमसे ये कहा गया था, पर मैं तुमसे न्यू टेस्टामेंट का अनाउंसमेंट, थ्री चैप्टर्स एग्जैक्टली। ये जो लॉर्ड सपर, ये लॉर्ड सपर जो है कहां से कहां तक? 13 में ये लोग भोजन करने बैठे और 17 तक जो भी हुआ, क्या क्या हुआ पढ़ो भाई। John 18:1 यीशु ने ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ क्रिदोन के नाले के पार गया। तो 13 में कुछ कुछ इवेंट किया, 14 से बोलना शुरू किया। तो 14, 15, 16 इसका डिटेल जरा देख लेते हैं, पढ़ो भाई। चैप्टर 13 इज, पढ़ो। सपर विद प्रैक्टिकल इवेंट्स, चैप्टर 14-16 चैप्टर 13, कोई चीज छोड़ना नहीं। चैप्टर 13 इज सपर विद प्रैक्टिकल इवेंट्स, कुछ इवेंट्स हुए, पैर दो नमूना दिया, फिर वो तुम में से एक पकड़वाएगा, फिर ब्रांड दे दूंगा बोल रहा था वो, तीन चीजें, सपर विद प्रैक्टिकल इवेंट्स। देन चैप्टर 14-16 टीचिंग्स अबाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने क्या बोला, तो 3 को पढ़ लेना। और आगे चैप्टर 17 हिज प्रीस्टली प्रेयर फॉर हिज फॉलोअर्स, और तब 18 में उठ के लोग, और मालूम है 6 शाम से 9 तक ये ऑन द टेबल थे। ये डिटेल आपको ये लेंट के टाइम में पता नहीं कभी किसी ने बताया भी है कि नहीं बताया है, लॉर्ड सपर से ये शुरू होता है। ओके, पेशेंट वीक नहीं है वो, ये ईसाई लोग टोटल पलट पलट के धर दिए। पूरे सप्ताह भर वो संडे को क्या हुआ, पाम संडे को वो कोई दुख मनाया, कोड़ा लगाया, और शाम हुई तो बैतनिया जाता था, डेली सुबेरे आता था यरूशलेम और मंदिर में रहता था, उसके बाद शाम होते होते बैतनिया। उस वीक में उसका वही रूटीन था,
और उसके बाद बृहस्पतिवार को रात को शाम को 6 बजे गोधूली के समय बध होता था। ये सब चीज याद रखना कि शाम को 6 बजे से इनका भोजन शुरू होता था। अब ये भोजन के टेबल में से उतर के पहले तो पैर धोया, उसके बाद फिर उसने भोजन करने के बाद ये बातें कही, प्रार्थना किया, उसके बाद फिर ये लोग गेतसेमनी को गए। प्रभु सहायता करे। अब जीवन के बारे में नेक्स्ट मीटिंग में, चाहे 1 महीने बाद चाहे कल, देखते हैं प्रभु जैसा अगुवाई करेगा। ट्राई टू सी द ग्रुप में जो इंफॉर्मेशन होगा कल मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कल से यदि शुरू करूंगा तो ये विषय मेरे को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तारीख से लेंट शुरू हो रहा है। सो प्रे फॉर इट। इसका सॉल्यूशन क्या है कुछ देखते हैं। क्या लिखा, ये जो उसने प्रार्थना शुरू किया तो एक बात बोला था, क्या बोला था, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, इनको जानने का विषय हमारे सामने है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन एंड कीप इट इन प्रेयर कि प्रभु फिर से, लेंट इज नॉट बैड, मौका दे रहा है कि जितना बात अभी तक हमने सीखा उसको रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, अपने अंदर अच्छे से बैठाते रहो। सो टुडे फिर से ऑप्शन इज देयर, जिसको प्रभु ने आज के वचन से आनंदित किया और आशीष दी, गाइडलाइन मिला, एनीवन, कोई भी भाई या बहन प्रार्थना करिए और उसके बाद आज का ये सेशन यही समाप्त करेंगे। सारी आशीषों के देने वाले सामर्थ्य वो पिता परमेश्वर, उस अनंत विरास की आशा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवनों में आपने एक बार फिर हमें एहसास कराया प्रभु जी कि किस मनसा ने हमें रचा था पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन बीते हुए समयों को जिए हमें, हमने शैतान की चपेट में रहकर पिता परमेश्वर बिताया, उसके लिए शर्मिंदा हैं। और आगे अपने जीवनों को प्रभु जी को जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, उन बातों को देखते हैं प्रभु जी, इस तरह से अद्भुत रीति से आप हमें बचाना चाह रहे हैं पिता परमेश्वर। उस ललक को प्रभु जी हमने केवल हमारे शरीरों के लिए, हमारे जीवनों के लिए संरक्षित कर सके, प्रभु इस महाड़ मास के शरीर को, ये मुंह जो जिसे आपने दिया है, वो आंखें जो आपने हमें देखने के लिए दी हैं और अपने दरवाइयों को बताने के लिए दी हैं परमेश्वर, उनको बताने वाले हो सके प्रभु जी, डरते कांपते हुए पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताने वाले हो सके, जिस तरह से आपने दास चाचा को बातों का दर्शन है प्रभु जी, से विनती करता हूँ प्रभु जी, इन सारे बिहाफ में मैं ये प्रार्थना के सामने रखता हूँ पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर जो भी समय और चाचा ने हमारे लिए की है प्रभु जी, आज है इसी वक्त से प्रभु जी हमारा हर एक क्षण सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा, आपको जान और आपके डर में बीतने पाए पिता परमेश्वर। और आने वाले समय में प्रभु जी हम ऐसे ही सुगठित होकर अपने आप को केवल बचाने वाले हो सके, तो जितने लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनको बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने आप को जांचने वाले हो सके प्रभु जी। पर पिता मैं आपसे फिर हम सभी लोगों के इतिहास में मैं आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि चाचा को ऐसा मन दीजिए कि ये आगे चलने पाए। हम जानते हैं किस तरह से परमेश्वर लैंड में क्या होता है और कैसे समय को सिर्फ किया जाता है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जो समय हम इतिहास में बिताते हैं वो किस तरह से हमारे
जीवनों को, जीवन के हर एक क्षण को, हर वर्ण को बदल रहा है पिता परमेश्वर। कैसे हम सामने पर्दे खोल रहे हैं परमेश्वर, कैसे हम बातों को जो आज तक हमारे लिए व्यर्थ थी प्रभु जी, समर्थ होती जा रही है परमेश्वर। एक बार फिर अपने बोले बोल से परमेश्वर, अगर किसी भी से निरादर हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, पर फिर इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। थैंक यू विशेष एंड गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन। और प्रभु सहायता करे कि हम कल के दिन किसी और विषय के साथ इकट्ठे हो सकते हैं, पर 2 तारीख से, परसों से ये अध्ययन पूरे लेंट के कारण ड्रॉप करेंगे, ताकि आप अपने अपने जगह प्रार्थना उपवास जो भी प्रोग्राम होते हैं आपके नॉर्मल चर्चेस के, वो हमारे इस अध्ययन के कारण किसी भी रीति से डिस्टर्ब ना हो। सो कल के लिए जो प्रभु ने मुझे अभी अगुवाई दी कि कल एक विषय के साथ हम लोग इकट्ठे होंगे, पर परसों से हम ड्रॉप करेंगे अप टू नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। आपको कम से कम ईस्टर संडे के बाद मैं बता दूंगा कि कितने दिन बाद हम वापस लौट रहे हैं पुणे, और कब से अगेन ये स्टडी कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू नो देयर इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ का डेफिनेशन ही हमने देखा कि परमेश्वर को और उसके पुत्र को जानना, यही अनंत जीवन है, और इसलिए उस विषय को हम लोग ध्यान करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम लोग फिर से मिलेंगे।